Good morning, students. How are you? You have given your papers. Okay. But आपसे एक शिकायत थी कि कई बच्चों ने पेपर जो किया है किया सही है, लेकिन राइटिंग इतनी गंदी लिखी है. बेटा यू हैव बोर्ड्स, तो आपके बोर्ड है क्या वहाँ भी आप ऐसी गंदी राइटिंग लिखेंगे? तो प्लीज़ अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करिए. अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि लास्ट तक इतना तो हो जाए कि रीडेबल हो, उसको देख के टीचर नंबर तो दे सके आपको. आपके पास बहुत छोटे छोटे आंसर्स थी, नो डाउट आपने बहुत अच्छा पेपर किया, आपके पास नॉलेज है, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन राइटिंग भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है. समझ में ना, जैसे गंदा घर किसी को अच्छा नहीं लगता ना, उसी तरह से गंदी कॉपी टीचर को अच्छी नहीं लगती है. तो ऑलवेज माइंड इट, योर नोटबुक, योर आंसर बुक मस्ट बी नीट एंड क्लीन. ठीक है, ओके. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, लेट अस क्लीन टुगेदर. ओपन योर बुक्स. ओके, कम टू द पेज नंबर 29. देखिए यहाँ आपको आना है. ओके, ऑलवेज ओपन द बुक व्हेन एवर आई एम रीडिंग. जब भी मैं पढ़ा रही हूँ आप बराबर बुक देखते रहिए. द स्टूडेंट एंड टीचर्स वर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 22nd अक्टूबर इन द स्कूल. बच्चे और टीचर्स क्या कर रहे थे? 2nd अक्टूबर को स्कूल में गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे. निकिता टुक एन एक्टिव पार्ट इन क्लीनिंग द स्कूल टू सेलिब्रेट गांधी जयंती अंडर द स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन. इतना बड़ा सेंटेंस नहीं समझ आया है ना. निकिता टुक एन एक्टिव पार्ट. निकिता ने एक्टिव पार्ट किया, मीन्स वो सिर्फ मुंह से बोल के नहीं कर रही है, बाकायदा हाथ से भी काम कर रही है. इन क्लीनिंग द स्कूल, स्कूल को साफ करने में. टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने में. अंडर द स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन भारत इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन. स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन के तहत निकिता जो है वो स्कूल में गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक एक्टिव पार्ट लिया है. ठीक है ना. हर शी अलोंग विथ ऑल हर फ्रेंड्स प्लेस्ड, मतलब प्रतिज्ञा की है उसने अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ में. प्लेस्ड माने प्रतिज्ञा की है. टू कीप देयर स्कूल नीट एंड क्लीन, उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ एक प्रतिज्ञा ली है, एक ओथ ली है, एक प्रण लिया है कि वो अपना स्कूल को साफ और नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखेगी. दे वेंट फॉर, वो किस लिए गए? पहला नंबर, जनरल क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स एंड अप्लाइंसेस लाइक फैंस एंड ब्लैक बोर्ड्स ऑफ द एंटायर स्कूल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग टॉयलेट, किचन एंड जनरल स्टोरेज रूम्स. तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है? दे वेंट फॉर जनरल क्लीनिंग ऑफ फ्लोर एंड अप्लाइंसेस. पहले जनरल क्लीनिंग किसकी हो गई? जमीन की, फ्लोर की, और उसके अंदर अप्लाइंसेस जैसे आपके स्विच बोर्ड लगे हैं, ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं, फैंस लगे हैं, उन सब की. ऑफ द एंटायर स्कूल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग, और पूरे स्कूल के अंदर का जो बिल्डिंग के अंदर अंदर चीज़ें आती है, जिसमें टॉयलेट आती है, आपकी स्कूल की किचन आती है, और जनरल जो स्टोरेज रूम है, उन सबको उसने क्लीनिंग के लिए वो गए. दूसरा नंबर, डस्टिंग ऑफ डेस्क एंड बेंचेस. दूसरा काम क्या है? बेंचेस और डेस्क जितनी भी है उन सबकी डस्टिंग, यानी उसको कपड़ा मार के पहुँचते हैं ना वो अपन, दैट इज़ द थिंग. थर्ड नंबर, क्लीनिंग ऑफ वाटर लॉगिंग ऑफ एंटायर बिल्डिंग. बिल्डिंग के अंदर जहाँ भी कहीं पानी है, वाटर लॉगिंग सिचुएशन है, पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, उन सबको साफ करना. फोर्थ है आपका, रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम द स्कूल कॉम्प्लेक्स. स्कूल के कॉम्प्लेक्स में से जितना भी कूड़ा करकट, जितनी भी गंदगी है, उन सबको निकालना. तो चार चीज़ें हो गई उनके, क्या क्या काम करने है? पक्का लग गया आपको पता? नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, उन्होंने पूरा काम क्लीन कर दिया, और क्लीन करने के बाद निकिता सॉ दैट द स्कूल इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. निकिता ने यह देखा कि स्कूल आपका बहुत ही सुंदर लग रहा है उनका. डेफिनेटली अगर आप सफाई करेंगे तो आपका घर भी उतना अच्छा लगेगा, अपना रूम साफ कर सकते हैं, आप छोटे बच्चे हैं छत साफ कर सकते हैं, छत भी साफ नहीं कर सकते, पर्टिकुलर एरिया साफ कर सकते हैं, अपने जो कबर्ड है उसको साफ कर सकते हैं, छोटा छोटा काम तो सब बच्चे कर सकते हैं. तो आई थिंक यू शुड डू ऑल्सो. ओके, लेट अस. व्हेन निकिता रीच्ड होम, जब निकिता घर पहुंची, शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट
टू हर मदर। अंदर जो भी पूरा का पूरा वर्णन था, जो जो बात स्कूल में हुई थी, जो जो काम उन्होंने किया था, पूरा का पूरा उसने अपनी मम्मी को बताया। एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड टू हेल्प हर क्लीनिंग देयर हाउस। और अपनी मम्मी से उसने ये भी प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उनके मकान को साफ रखने में भी मदद करेगी। और पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन वी हेल्प देम। हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बहुत खुश होते हैं जब हम उनकी मदद करते हैं। वी ऑल्सो फील द जॉय ऑफ हेल्पिंग आवर पेरेंट्स इन क्लीनिंग आवर हाउस। और हम खुद जब हम अपने मकान को साफ करने में हमारे मम्मी पापा की मदद करते हैं तो हमको भी बहुत खुशी मिलती है। ओके, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 इन द कंट्री एज अ नेशनल मूवमेंट। हमारे यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 को पूरे भारत में एक नेशनल मूवमेंट की तरह हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो पूरे भारत में काम करेगा। कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन। द नेशनल कैंपेन एम्स टू अचीव द विजन ऑफ ए क्लीन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। और हमारा जो ये नेशनल अभियान हमने चलाया था, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम 2 अक्टूबर 2019 को पूरा का पूरा हमको इंडिया जो है वो एक क्लीन इंडिया दिखे, ठीक है ना, कहीं भी कहीं कोई गंदगी ना हो। अ क्लीन एंड हाइजीनिक इंडिया वुड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट इंडियंस कुड पे टू महात्मा गांधी ऑन दिस 150th बर्थ एनिवर्सरी इन 2019। आ गया, देखिए, एक क्लीन और हाइजीनिक इंडिया, एक साफ सुथरा स्वच्छ, ठीक है ना, बिना बैक्टीरिया वाला, हाइजीनिक माने बिना बैक्टीरिया वाला, तो इंडिया विल बी बेस्ट ट्रिब्यूट। वो एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा, श्रद्धांजलि होगी, है ना। इंडियंस कुड पे टू महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी को भारतीय लोग दे सकते हैं ऑन हिज 150th एनिवर्सरी इन 2019। उनकी 150वीं जन्म दिवस आता है ना, जन्म शताब्दी एनिवर्सरी, हम क्या कराते हैं हर साल, बनाते हैं ना अपना बर्थडे बनाते हैं, दिस इज़ माई सेकेंड बर्थडे, ऐसे उनका कौन सा बन रहा है, 150वें जन्मदिन, जो कि 2019 में उनको 50 साल हो जाएंगे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को। तो क्लीन और हाइजीनिक इंडिया जो होता है, एक क्लीन और हाइजीनिक इंडिया, हमारा हमारे देश को क्लीन और हाइजीनिक बनाना, ये हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी महात्मा गांधी को उनके 150वें जन्मदिन पर, जो कि 2 अक्टूबर 2019 को आएगा। ओके, स्टूडेंट्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव कम फॉरवर्ड एंड जॉइन दिस मूवमेंट ऑफ द क्लीननेस। स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी, पढ़ने वाले बच्चे, एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के अलग अलग तबके के, अलग अलग विभाग के जो बच्चे लोग हैं, हैव कम फॉरवर्ड, वो आगे आए हैं एंड ज्वाइन किया है दिस मास मूवमेंट ऑफ क्लीनिनेस। ये सफाई का इतना बड़ा जो अभियान है, मूवमेंट है, उसके अंदर उन्होंने ज्वाइन किया है। ऑर्गेनाइजिंग फ्रीक्वेंट क्लीनिनेस कैंपेन इज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड हाइजीन थ्रू प्ले एंड म्यूजिक इज वाइडली कैरिड आउट अक्रॉस द नेशन। ऑर्गेनाइजिंग फ्रीक्वेंट, ऑर्गेनाइज करना बार बार, क्लीननेस कैंपेन, सफाई अभियान को बार बार ऑर्गेनाइज करना, टू स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि अवेयरनेस फैले, जानकारी फैले, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड हाइजीन, एक अच्छी हेल्थ और स्वच्छता के बारे में कि का क्या महत्व है, इस बारे में लोगों में जागरूकता आए, थ्रू प्ले एंड म्यूजिक इज वाइडली कैरिड आउट अक्रॉस द नेशन। प्ले एंड म्यूजिक यानी कि खेल और म्यूजिक के द्वारा पूरे देश के अंदर एक अवेयरनेस फैलाना ही
बार बार जो क्लीनिनेस कैंप जो अभियान चला रहे हैं उसका मकसद क्या है कि ताकि हेल्थ और हाइजीनिक की अच्छी हेल्थ हाइजीन का क्या मतलब होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में पूरा का पूरा अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकता करना ही हमारा जो इसका मिशन है वो क्या है। इसके लिए ही बार बार हम लोग फ्रीक्वेंट क्लीनेस कैंपेन जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, वो किए जा रहे हैं पूरे के पूरे नेशन में। ऑल आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ क्लीनिनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और सारे ऑल आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ, ये सारे के सारे क्या स्प्रेडिंग कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, किस मैसेज को फैला रहे हैं कि क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब सफाई ही हमारा क्या है, सफाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, भगवान, सफाई ही आज का देवता है, समझ में ना। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनिनेस के आगे वो क्या मिलता है आपको, भगवान ही तो मिलते हैं। देखिए साफ़ सुथरी जगह है, आपको अच्छा लगता है, आप खाना खाएंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, सोएंगे, कूदेंगे, जो भी है, वट एवर बी यू वॉन्ट टू डू, तो अगर आपका रूम साफ़ होगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह से जब हम रूम में होते हैं, घर में होते हैं, तो हम घर साफ़ करते हैं। देखिए आप रूम में बैठे हैं, आप अपना घर साफ रूम साफ़ करेंगे, मम्मी घर में बैठी है इसलिए पूरा घर साफ़ करेंगे, और हम लोग पूरे देश में बैठे हैं इसलिए पूरा देश साफ़ करेंगे। ओके, आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन वी ऑल शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड कीपिंग अवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन बाय फोकसिंग ऑन सैनिटेशन एंड मेंटेनिंग अ हाइजीनिक एनवायरमेंट। देखिए सबसे पहले वर्ड टू वर्ड करते हैं अपन, आफ्टर वर्किंग एंड अंडर क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन में काम करने के बाद, स्वच्छ भारत अभियान में काम करने के बाद, वी ऑल शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, हमको और ज़्यादा जवाबदार होना चाहिए और जिम्मेदार होना चाहिए, इन कीपिंग योर होम एंड सराउंडिंग क्लीन, हमारा घर हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखने में, बाय फोकसिंग, जिसमें हम किस में फोकस करेंगे, सैनिटेशन एंड मेंटेनिंग ए हाइजीनिक एनवायरमेंट, हम स्वच्छ और एक साफ और स्वच्छ वातावरण को मेंटेन करने में फोकस करेंगे। आ गया समझ में आपको कि आफ्टर वर्किंग इन क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन में काम करने के बाद अब हमको फोकस करना चाहिए, अब हमारा घर हमारे आसपास का वातावरण वो शुद्ध रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे, और एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिले। अब आता है वेस्ट, एवरी डे वी थ्रो मैनी थिंग्स इन आवर डस्टबिन, हर दिन हम हमारे डस्टबिन में बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ईटिंग अ बनाना वी थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन, हम केला खाते हैं उसके बाद में छिलके डस्टबिन में डालते हैं। सिमिलरली उसी तरह से अ लार्ज नंबर ऑफ पैक्ड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो पैक प्रोडक्ट आते हैं, वो पैक की हुई चीज़ें आती हैं, जैसे चॉकलेट्स, बिस्किट्स, मिल्क, पल्सेस, ऑयल, राइस एंड सो ऑन, आर पैक्ड इन अ पेपर रैपर्स, और उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें पेपर रैपर में आती है, जैसे आपकी चॉकलेट है, बिस्किट है, दूध है, दालें हैं, तेल है, चावल है, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड कार्टून, टिन बॉक्सेस एंड मैनी अदर काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, तो ये रैपर में आती है, कुछ प्लास्टिक बैग में आती है, कुछ कार्डबोर्ड के कार्टून में आती है, और कुछ लोहे के डब्बे में आते हैं, और मैनी अदर काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, अलग अलग तरह की जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उसमें आते हैं। आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का यूज़ करने के बाद में वी थ्रो द पैकेजिंग मटेरियल इन आवर डस्टबिन, हम अपने जितने भी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। दीज थिंग्स बिकम वेस्ट फॉर अस, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। जैसे आपने टॉफ़ी खा ली, आपका जो रैपर है वो तो आपके लिए वेस्ट होगा ना, तो वेस्ट आर मटेरियल्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड, वेस्ट क्या है जिसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हैव बिकम यूजलेस, जो यूजलेस है, आर मीन टू बी थ्रोन अवे, और उसका मतलब है कि उसको फेंक दिया जाना चाहिए। तो वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, वेस्ट में सॉलिड हो सकता है जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लिक्विड यूज्ड सोपी वाटर, साबुन से नहाया जो आपका पानी निकल रहा है ना नहाने के बाद में, तो वो यूज्ड सोपी वाटर हो गया, या आपने कपड़े धोए तो कपड़े धोने के बाद में जो साबुन निकालते हैं तो वो जो पानी होता है वो वेस्ट होगा ना, तो यूज्ड सोपी वाटर हो गया। और गैसियस वेस्ट, गैसियस वेस्ट कौन सी होगी, आपने खाना बनाया गैस निकल रही है तो वो वेस्ट हो रही है ना, बाहर जाती है, तेल गर्म कर रहे हैं, पूड़ियाँ तल रहे हैं,
तो उसमें से भी गैस निकल रही है, दैट इज़ द गैसियस वेस्ट. और व्हीकल, ऑफ यू आर ड्राइविंग द व्हीकल, तो उसमें से भी इंजन में से जो धुआं निकलता है. तो सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज. सॉलिड वेस्ट क्या कहलाता है? वो गार्बेज कहलाता है. नाउ सोर्सेज ऑफ वेस्ट, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट डे. ओके, थैंक यू.